में खबरों के साथ मैं शीतल दुबे। दो सीटों के लिए झारखंड में हुए राज्यसभा चुनाव इस बार कई मायनों में दिलचस्प रहा। भाजपा एक सीट लाख कोशिशों के बाद जीतते जीतते हार गई। प्रथम वरीयता के आधार पर समीर उरांव की जीत तो पक्की थी, वहीं कांग्रेस के खाते में एक सीट धीरज साहू के रूप में मिली। देखते हैं एक रिपोर्ट। कहते हैं जो होगा वो ऊपर वाले द्वारा पहले ही तय किया जा चुका है और ये कहावत को चरितार्थ किया है झारखंड राज्यसभा चुनाव में। दरअसल झारखंड से राज्यसभा के दो सीटों के लिए सिर्फ भाजपा ने ही दो उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा था, समीर उरांव और प्रदीप सोनथालिया को। तो दूसरी ओर कांग्रेस झाबीमो और झामुमो ने मिलकर एक उम्मीदवार को इस चुनावी मैदान में उतारा था और झारखंड के इस राज्यसभा चुनाव में कई दिलचस्प बातें सामने आई। जैसे झाबीमो के एक विधायक ने क्रॉस वोटिंग कर दिया, तो सबसे पहले वोटिंग करने वाले विधायक अमित महतो को एक मामले में 2 वर्ष की सजा अदालत ने सुना दी, जिससे उनकी विधायकी स्वतः चली गई। इस मामले को भाजपा खेमा द्वारा काफी तुल दिया गया और अमित के वोट को रद्द करने की मांग चुनाव आयोग से कर दी गई। ये जो दूसरा पत्र दिया गया अमित महतो जी की सदस्यता को लेकर के, उसका कोई जवाब निर्वाची अधिकारी के माध्यम से हम सबको प्राप्त हुआ नहीं हुआ, तो निश्चित रूप से इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने यह विचार किया है और हमारे जो उम्मीदवार है, जो विधि सम्मत आगे हो सकता है, चाहे वो चुनाव आयोग के पास जाने का या न्यायालय के दरवाजा पर कटाने का, निश्चित रूप से हमारे उम्मीदवार या भारतीय जनता पार्टी इस मामले को न्यायालय और जो कानून सम्मत विचार होता है उसको ऊपर तक ले जाने की दिशा में न्याय मिलने तक हम ये आशा करेंगे कि इन बीचों को चुनाव आयोग से लेकर के न्यायालय के दरवाजा तक ले जाएंगे। हालांकि बीजेपी आखिरी बाजी में दोनों सीट जीतते जीतते रह गई और कांग्रेस गठबंधन ने बाजी मार ली। एक सीट से बीजेपी के उम्मीदवार समीर उरांव जीते तो दूसरी सीट कांग्रेस के धीरज साहू के खाते में चली गई। दरअसल राज्यसभा के लिए कुल 81 उम्मीदवारों को वोट करना था। गोमिया विधायक की सदस्यता रद्द होने की वजह से 80 वोट होने थे, 80 वोट हुए भी, लेकिन उनमें से 2 वोट रद्द हो गए। बचे 78 वोट। अब जीतने के लिए उम्मीदवार को 26 वोट लाने थे। समीर को 27 वोट पड़े, धीरज को 26 और प्रदीप सोनथालिया को 25, लेकिन दूसरी वरीयता के कैलकुलेशन के मुताबिक जीत के लिए 26.01 वोट चाहिए थे और धीरज साहू 0.01 वोट से जीत हासिल की। और ऐसा पहली बार हुआ जब कोई उम्मीदवार 0.01 वोट से जीते हो। वोटिंग के दौरान राजधनवार विधायक राजकुमार यादव ने भी वोट डालने में गड़बड़ी कर दी। उन्होंने प्रथम वरीयता के आधार पर धीरज साहू को वोट किया, फिर नोटा को भी प्रथम वरीयता का वोट कर दिया। इनकी भी मत रद्द हो गई। काउंटिंग के बाद कांग्रेसी खेमे में मायूसी छा गई। सभी को लगा कि कांग्रेस के उम्मीदवार हार जाएंगे, लेकिन दूसरी वरीयता के गिनती के बाद जब नतीजा सामने आया तो कांग्रेसी खेमे में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। आखिरकार भाजपा के खाते में एक सीट और कांग्रेस के पाले में एक सीट गई। एनडीए से समीर उरांव तो यूपीए से धीरज साहू राज्यसभा के सदन में पहुंच गए। ऐसा अवसर प्राप्त होने जा रहा है और सफलता के पश्चात निश्चित रूप से जो है अभी अपने हमारे केंद्र में यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी हैं और इस प्रदेश में भी यशस्वी मुख्यमंत्री अपने माननीय रघुवर दास जी हैं, जो यहाँ की जनता के लिए रचनात्मक विकास के कार्यों को जो प्रारंभ किया है, उस कार्य में हम सहभागी बन सके इस भाव से मैं देख रहा हूँ।